टीम आरजेएस को अमित आजाद का नमन है और आजाद परिवार की ओर से भारत की जड़ आस्था को आप लोग बहुत एक गर्व से आगे बढ़ा रहे हैं। आजाद परिवार और अमित आजाद आपको नमन करता है। शहीद चंद्रशेखर आजाद के पौत्र 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 अमित आजाद जी। अमित आजाद, अमित जी। सर, मधुर आनंद जी अभी एक शेर सुनाएंगे, मधुर कृष्ण जी, और उसके बाद फिर आपके वो परिचय करा के संबोधन लेंगे। मैंने शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद पर 10 अशार लिखे हैं। 10 अशार तो आपकी खिदमत में पेश नहीं कर रहा, लेकिन उनमें से 2 अशार आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। फखरे हिंदुस्तान था चंद्रशेखर आजाद, जिसके 10 बाजू थे आग और फौलाद। दूसरा शेर है, काश होता आज भी वो गुलजारे चमन, काश होता आज भी वो गुलजारे चमन, जिसने अपने खून से सींचा था ये वतन। एक और शेर है, वो जमीन पैदा करो वो आसमां पैदा करो, चंद्रशेखर आजाद जैसी ही संतान पैदा करो। ये मधुर कृष्ण जी थे, वरिष्ठ पत्रकार। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, तो अब आपका शहीद चंद्रशेखर आजाद के पौत्र अमित आजाद जी आरजेएस की 49वीं बैठक जो गाजियाबाद में हो रही है, तो उस पे अपना संदेश आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जी। अमित आजाद जी, वंदन है। मैं अमित आजाद, शहीद आजाद जी के परिवार से आप सबको बता दूं, आज एक बहुत ही पावन और बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है, जिसको हम शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद जी का शहादत दिवस के रूप में जानते हैं। आज के ही दिन 27 फरवरी 1931 को 10:32 पर इलाहाबाद में, जो कि आज प्रयागराज है, वहीं पर नॉट बावर के द्वारा मुठभेड़ हुई, जिसमें शहीद आजम ने अपने आखिरी गोली, जो कि वो अपने रिवॉल्वर में रखते थे, और उन्होंने सदा यही कहा था कि अंतिम गोली मैं किसी को नहीं मारूंगा, अंतिम मैं अपने ही मारूंगा, क्योंकि मैं सदा आजाद रहा हूं और आजाद ही रहूंगा, और उन्होंने वो प्रण निभाया। इसीलिए आज दुनिया में असंख्य लोग पैदा होते हैं, न जाने कितने, पर शहीद भगत सिंह, शहीद चंद्रशेखर आजाद जी आज भी हमारे बीच में मौजूद हैं। कहते हैं कि पैदा तो बहुत लोग होते हैं, पर हमारा जन्म बड़ा नहीं होता, हमारी मौत बड़ी होती है। इसीलिए आज चाहे वो आजाद जी हो, मैं तो सभी शहीदों की बात करूंगा, शहीद चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिश्मिल, ये सारे ही, इन सब की मौत पड़ी, इन सब ने इस देश के लिए, इस पावन धरा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। उन्हीं शूरवीरों की गाथाएं गाना हमारा परम कर्तव्य है, और ऐसे ही दिवस हमारे बीच में आते रहते हैं, तो हम उन शहीदों को याद करते रहते हैं, क्योंकि ये भारतवर्ष की संस्कृति। और मैं आपको बता दूं, जो हमारी संस्कृति है, जिसके लिए ये सारे वीर शहीद हुए, क्योंकि आज बात सिर्फ आजाद जी पर ही होनी चाहिए या शहीदों पर ही होनी चाहिए, मैं किसी और मुद्दे पे जाऊंगा भी, क्योंकि जो शहीद हुए वो सिर्फ अपने घर के लिए नहीं, अपनी संस्कृति के लिए शहीद हुए, और हमारी संस्कृति और कल्चर ही भारत माँ का और भारत माँ की शक्ति है, यही वो ताकत है जिसको अंग्रेजी हुकूमत उखाड़ कर फेंकना चाहती है। एक अंग्रेज अधिकारी ने फॉरेन या विदेश में अपनी संसद में कहा था कि यदि हमें भारत के लोगों को, यदि हमें गुलाम बनाना है या तोड़ना है, तो उनसे पहले हमें उनकी संस्कृति को तोड़ना होगा, और वो संस्कृति थी नालंदा और तक्षशिला की संस्कृति। उसी संस्कृति पर उन्होंने प्रहार किया, जबकि पहले ही उस पर तो मुगल कर चुके थे, बाद में
उन्होंने हमारी संस्कृति बाद में भी मैकाले की शिक्षा पद्धति को चलाकर किसी भी तरह वो हमें कुचलना चाहते थे, जो कि हमारे आजाद जी और भगत सिंह को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। तो उन्होंने यही कहा कि यदि तुम ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले भी भारत में मौजूद हैं, यदि कोई अहिंसा के मार्ग पर चलने की बात करता है तो ईंट से पत्थर का जवाब देने वाले भी भारत में मौजूद हैं। अहिंसा परमो धर्म है, पर धन धर्म हिंसा तदैव च भी होना चाहिए, क्योंकि भारतवासी अहिंसा को तो मानते ही हैं, पर धर्म की रक्षा के लिए यदि शस्त्र उठाना पड़े तो उसमें भी भारतवासी अपने शास्त्रों को जमीन पर रख के शस्त्र को उठाने में देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे दिल में महात्मा गांधी भी हैं तो हमारे दिल में चंद्रशेखर आजाद भी, हम ऐसे ही भारतवासी। तो मैं आपको जो भी मुझे वहां पर सुन रहे हैं मैं यहाँ से देख नहीं पा रहा हूँ, पर मैं ये कृतज्ञतापूर्वक उनको नमन करता हूँ कि वो शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद जी की शहादत दिवस को नमन कर रहे हैं। उन सबको आजाद परिवार की तरफ से और टीम आरजेएस की तरफ से और एचआरए की तरफ से कोटि कोटि नमन मैं एक बार पुनः करता हूँ। और मैं जी बहुत बहुत धन्यवाद अमित आजाद जी, आपने गाजियाबाद में जो आरजेएस की 49वीं सकारात्मक बैठक चल रही है वहाँ पर आप लाइव ऑडियो में आए, यहाँ के लोग बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं कि आज़ाद जी के बारे में आपके ये जो संदेश है। और जो मैं और बोलना चाहूँगा उनको, ये क्या अगर वो सब सुन सके मुझे तो क्या मैं बोलूँ एक लाइन? जी हाँ। देखिए 1,96,08,53,119 2019 में इतनी पुरानी हमारी संस्कृति हो जाएगी। मैं सभी से कहना चाहूंगा कि हमारा देश ही हमारी विरासत है, अपना अपना पेट तो सभी लोग पालते हैं, सबके घर होते हैं, पर थोड़ा सा समय यदि देश के लिए सब निकाले तो देश विश्व गुरु बनने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि कोई भी राष्ट्र तब तक पराजित नहीं हो सकता जब तक वह अपनी संस्कृति व मूल्यों की रक्षा कर पाता है। पर क्या धर्म व जाति के नाम पर कहीं कहीं पे खंड के नाम पर भारत बट रहा है, तो इससे हम लोग अपनी संस्कृति करें और व्यक्ति को जोड़ने वाली संस्कृति पर यदि कोई आक्रमण करेगा तो हमें उसको उखाड़ फेंकना होगा, जैसे हमारी सेना ने आज किया है। और इसी के साथ आप सब लोग एक बार मेरे साथ बोले, भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जी, भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कहूंगा कि आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपत फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण में पांजन्य हुंकार उठा है, शत शत आघातों को सहकर, मतलब सौ सौ आघात हमारे भारत पर हुए, शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है, घर घर में शुभ अग्नि के दीप जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है, दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बर बर अंधियारा, किंतु चीर कर दम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा, चमका हिंदुस्तान हमारा। हमने उनका स्नेह लुटा कर पीड़ित ईरानी पाले हैं, निज जीवन की ज्योति जला मानवता के दीपक पाले हैं, जग को अमृत का घट देकर हमने विष का पान किया था, मानवता के लिए हर्ष से अस्थि वज्र का दान दिया था, जब पश्चिम ने वन फल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत में साम गान का स्वर्ग स्वर दिया था सुनाई। बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। आप सभी को मेरा नमन है और माँ भारती आप सबका मार्ग ऐसे ही प्रस्तुत प्रशस्त करती है जी। बहुत बहुत धन्यवाद अमित आजाद जी।